स्टंट पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है स्टंट? बोलना मेरे को, तुम न्यूज़ रिपोर्ट बोल स्टंट क्या होता है? बोल, मुझे बता ना। बोला क्या होता है स्टंट? बोल बोल स्टंट क्या? पहले स्टंट पता कर ले क्या होता है स्टंट, फिर बोलना ठीक है? क्या स्टंट क्या होता है मेरे को बोलना? स्टंट बाज क्या है? स्टंट बाज मेरे को बता। नाका तोड़ा आपने? नाका सिंपली मैं निकला यहाँ से, पुलिस वाले अचानक आ गए, फिर मेरे सिंपली कैसे निकला? और मेरे आप बोल रहे हो स्टंट, आप मेरे को बताओ स्टंट क्या होता है? क्या होता है स्टंट? कहाँ कहाँ खेला मैंने? तो दिखा दे शॉट, अगर मैंने देखा कोई गलती होगी मेरी। मैं आगे रुका, पुलिस वाले ने सिंपली हाथ दिया, मैं वहाँ पे रुका। और सर आप अपनी रिपोर्ट करो, जाओ आप। नाम बोलो जी, इधर नाम बोलिए मोबाइल। अभी कुछ समय पहले जो है वो आपने लाइव वीडियो जो है वो लोकल रिपोर्ट के फेसबुक पेज पे देखी होगी, किस तरह से जो है एक बाइक सवार जो है वो नाका गणपत ब्रिज के पास जो है वो तोड़ के जाता है। और मैं आपको बता दूं, उसकी जान जो है वो बार बार जो है वो बचती है, और बार बार जो है वो लगने से उसको बचती है। और उस नाके में आप, क्योंकि वो तस्वीर आप ज़रूर देखें, वो लाइव अभी पहले कुछ समय किया था, और यही बाइक है। और नाका जो है वो खलैनी में लगाया गया, और वहाँ पर जो है इसे पकड़ा गया, और आप देख सकते हैं ये वही बाइक है। और इसके जो है ना आपको पिछली साइड जो है वो नंबर प्लेट देखने को मिलेगी, ना अगली साइड जो है वो नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है वो राजा डीसी जो है इस बाइक पे लिखा गया है। सुनने में ये भी मिला है कि एक यूट्यूबर हैं ये, और ये जो है वो बाइक जो है वो चलाते हैं, और शायद बहुत सारे लोग जो है इनको, बाइक सवार जो है वो शायद इन्हें देखते होंगे। लेकिन इस समय जो है वो डोडा पुलिस के द्वारा जो है वो इन्हें यहाँ पे पकड़ा गया, जहाँ पे स्पेशल नाका लगाया गया था, और वो स्पेशल नाका तोड़ के जो है वो यहाँ से निकल रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इनसे जब बातचीत इन्होंने करने की कोशिश की, यहाँ पे मीडियाकर्मी जब अपनी न्यूज़ कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, तो उनके साथ काफ़ी बदतमीजी इन्होंने की। कि आखिरकार बहुत सारी आप वो वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से जो है इनका बिहेवियर था, एक किस तरह का एटीट्यूड था। और पुलिस ऑफिसर से भी बात करते समय जो है वो इनका एटीट्यूड हमें देखने को मिला, किस तरह से इन्होंने जो है वो गंदे तरीके से जो है वो पुलिस ऑफिसर से भी बात की यहाँ पे, और कहा कि मैं यहाँ से जो है मैंने नाका यहाँ पे नहीं देखा, जबकि एक पुलिस वाले की जो है वो जान बार बार बची, और खुद की भी जो है वो जान बार बार बची, और खुद इस तरह की चीज़ें करके और नाका तोड़कर जब बाद में कहा जाता है कि पुलिस वाले की जो है वो गलती और पुलिस के जिम्मे जो है वो फंसा दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये वही यहाँ पे आपको बाइक जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नाके पे जो है यहाँ पे पकड़ा हुआ है, और नाके पे जो है वो एक अच्छा स्पेशल नाका यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और डोडा पुलिस के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन बात यही है कि अभी तक जो है वो डोडा के अंदर, खास करके NH 244 के अंदर जो है वो हमने हमेशा देखा है कि NH 244 के अंदर, चनाब वैली के अंदर जो है लगातार एक्सीडेंट जो है, लगातार हादसे जो है वो होते हैं, और उसी हादसे में कितनी सारी जो है वो जाने यहाँ पे जाती हैं। लेकिन इस तरह के जो है वो नौजवान यहाँ पे आते, जो इंस्पिरेशन जो है बननी चाहिए सभी लोगों के, सभी बच्चों की इंस्पिरेशन बननी चाहिए कि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से किस तरह से जो है वो ड्राइव करना चाहिए, किस तरह से आपको जो है वो वायलेशन नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक वायलेशन नहीं करना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हमें जो है वो इनके द्वारा हमें देखने को मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, डोडा पुलिस के द्वारा इन्हें यहाँ पे पकड़ लिया गया है। यहाँ पे जो है वो गणपत ब्रिज के पास इन्होंने जो है वो नाका तोड़ा था, और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ जो है खलैनी की तरफ गए थे, और खलैनी नाके में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, डोडा पुलिस ने जो है वहाँ पे इसे जो है वो पकड़ लिया। लेकिन सभी लोगों से जो है वो यही विनती रहेगी यहाँ पे कि इस तरह की जो है चीज़ें यहाँ पे हमें जो है वो देखने को नहीं मिले, और ख़ास करके NH 244 पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हादसे इस समय जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की भी गाड़ी यहाँ से निकली, यहाँ इन्होंने भी जो है वो आगे यहाँ पे नाका लगाया हुआ था। इस समय NH 244 पे जो है वो नाके जो है वो लगाए जा रहे हैं, स्पेशल नाके लगाए जा रहे हैं SSP डोडा के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे हादसे जो हैं वो लगातार चनाब वैली के अंदर हो रहे हैं। हम भी उम्मीद करेंगे कि इस तरह के हादसे यहाँ पे ना हो, और इस तरह की जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं ये तस्वीरें दोबारा हमारे सामने नहीं आए। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।